राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मेरा सवाल लोधी राकेश राजपूत जी आपसे है, क्योंकि टैली जो हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है, उस हिसाब से जो दावे किए जा रहे थे कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन दूर दूर तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। फिर भी समाजवादी पार्टी कैसे कह रही है कि अभी भी 5 सीटें हमारे हाथ में आएंगी, कौन सी सीटें हैं वो? देखिए, अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता, ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं था चुनाव, ये शासन प्रशासन एक तरफ चुनाव लड़ रहा था और एक तरफ समाजवादी। चौहान को आपने सुना होगा कि जब जनता आप पर भरोसा नहीं जताती तब आप ऐसी बातें करते हैं। यही बात मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, आज देश में तमाम मुद्दे हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश की केवल बात करें तो वहाँ आप महिलाओं की बात करते हैं, आप महिलाओं के देखिए हाथरस की घटना, पिंकी लोधी की घटना, मनीषा वाल्मीकि की घटना, बदायूं की घटना और बुलंदशहर की घटना, यहाँ तक कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जो महिला पहलवान थी उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। महिलाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा पे देखिए आज देश में क्या हालत है, आप नौजवानों की बात करिए, नौजवानों की क्या हालत है, आप युवा वर्ग की बात करिए, सब बेरोजगार भटक रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान है, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मुद्दों को चुनाव के दौरान उठाया होता तो फिर उन मुद्दों पर आपको जनता वोट भी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत मजबूत है, जमीन पे बहुत मजबूत है, लेकिन ये शासन प्रशासन जिस तरह से कोताही बरत रहा है, जिस तरीके से इन्होंने देखा कि लोग, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, जिस दिन वोटिंग थी 20 तारीख वाले दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुरादाबाद में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, आप देख रहे हो कि उन लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है, वहां के थाना अध्यक्ष, वहां के SP रिवाल्वर हाथ में लेके लहरा रहे हैं, ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है चीजें। उसके बावजूद सफाई दी थी उस मामले को लेकर भी जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है, और जबकि उसके बावजूद हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इन ढोंगी पाखंडी शोषणकारी बीजेपी को किसी ने जवाब दिया था तो 2024 में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ने इनको जवाब दिया, जिससे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस टाइप का इन्होंने ये काम किया। कुंदरकी की आप बात करें, अगर 31 साल बाद बीजेपी यहाँ पर जीतने जा रही है तो कहीं तो जनता का विश्वास होगा ना कि इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने जा रही है। देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये शासन और प्रशासन की जीत कह सकते हो, धोखे की जीत कह सकते हो, इन्होंने ये धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है, ये वोटिंग जो हुई जनता को वोटिंग करने नहीं दी। कह रहे हैं ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएंगे इस बार? नहीं, ईवीएम पे तो हम जब 2024 में हम लोग इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता, उसके बावजूद मैं आप ही के इसी मंच पे बैठा था और मैंने ये कहा था कि हम आज भी वैलिड पेपर की वकालत करते हैं कि वैलिड पेपर्स पे चुनाव होना चाहिए। जीत और हार एक अलग चीज है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाना हमारा सबसे पहला धर्म। जब समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें मिली तब तो आपने ये सब बातें नहीं कही, तब तो ये आरोप नहीं लगाए गए ना ईवीएम पर ना प्रशासन पर। उस वक्त कहा था प्रशासन, ये सवाल मेरे से किस जी जी आप ही से सवाल है। नहीं, ये तो मैं स्टार्टिंग से 2024 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तब भी मैंने ये कहा कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वैलिड पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए, हम तो आज भी ये कह रहे हैं, अभी रिजल्ट पूरा आएगा तब भी आप देखेंगे, हमारी डिमांड यही है कि लोकतंत्र में संविधान। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब आपका अच्छा प्रदर्शन था तब ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए गए आपके ओर से कि मैंने तो आप ही के मन से इस बात की मैंने वकालत की थी, जब हम जीते उत्तर प्रदेश में, लोकसभा जीते और देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभरे, उसके बावजूद मैंने ये कहा आपके मंच पे। मैं उनके आरोपों पर से उतना ही कहना चाहता हूँ कि ना पचे उतना ही कहना चाहता हूँ कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनावों के अंदर जब शुचिता और सुशासन के पक्ष में जनता ने वोट किया, योगी आदित्यनाथ जी के ईमानदार नेतृत्व में वोट किया, उसके परिणति आपके सामने है। अखिलेश यादव जी जो परिवारवाद और अराजकता और गुंडागर्दी के लोगों को प्रश्रय देते रहे, जिस तरीके से वो बांटने वाले, बांट करके के काटने वालों के साथ खड़े रहे, उसका परिणाम उनको दिख गया है। अगर ये कहते हैं कि प्रशासनिक ताकत की वजह से ये चुनाव लड़ा गया है तो फिर इनको पूछिए कि इनसे करहल और सीसामों के। पर जनता को विश्वास नहीं होता तो 31 साल के बाद यहाँ पर क्यों कमल खिलता? ये 31 साल के बाद भी नहीं खिलता, ये धोखा है जनता के साथ, ना वोट डालने दिया गया
और फिर मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि 2027 में अगर निष्पक्ष चुनाव होगा और उस समय बंपर जीत से समाजवादी पार्टी तो, अपनी तो सुबह, सरकार बनाएगी। सुबह से ये बात क्यों नहीं कह रहे थे आप? अभी जैसे ही आपने देखा कि सारे नतीजे उल्टे आ रहे हैं तब आपने ये आरोप लगाना शुरू कर दिए। सुबह तो पूरा कॉन्फिडेंस था समाजवादी पार्टी के हर एक प्रवक्ता में कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे। नहीं, हम तो इस बात को मैं बता रहा हूँ, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं? उस दिन सवाल किए थे नहीं किए थे, ये बताइए मुझे आप। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिन जिस दिन ये सब घटनाएं हो रही हैं, रिवाल्वर लहराई जा रही है, और जो हमारे क्षेत्र हैं जहां लोकतंत्र और जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, या जहां यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र है वहां वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, वहां थाना अध्यक्ष जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं? जवाब उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, दो भ्रम समाजवादी पार्टी का, डॉक्टर परमवीर सिंह जी क्या सोचते हैं, उनका भी एक आंकलन होगा। कई चुनाव आपने देखे तो डॉक्टर परमवीर भी रहेगा कि क्या किसी तरह का आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपनी कमियों को तलाशेंगे, या फिर प्रशासन पर ही आरोप लगाते रहेंगे? कहीं तो कोई कमी रही होगी, क्या प्रचार में कोई कमी रह गई, मुद्दों को उठाने में कोई कमी रह गई, कि विकास के जो मुद्दे थे जो आपको जनता के बीच लेकर जाने चाहिए थे वो आप नहीं लेकर गए, बल्कि जो सामने से बयानबाजी हुई उसी का पलटवार करते रह गए आपके नेता? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, मैं करहल की विधानसभा में भी गया था मीटिंग करने, मैं खैर में भी गया था, वहाँ जो जनता का जन आक्रोश था शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इसमें कोई दो मत नहीं, हम वो चुनाव जीत रहे थे। जहां मैं गया उसकी तो मैं दावे से कह रहा हूँ, बाकी तो मैंने सोशल मीडिया पे और चैनल पे, मैं वहीं की बता रहा हूँ जहां जहां मैं गया। और वैसे तो मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में पूरी 9 की 9 सीटें हम लोग जीत रहे थे, संगठन बहुत मजबूत है हमारा, हमारा कहीं कोई दो मत नहीं है जीतने में। लेकिन अगर ये निष्पक्ष चुनाव होता, ये 9 की 9 सीटें हम लोग जीतते, समाजवादी पार्टी जीतती, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे, जब शासन प्रशासन सोशल मीडिया पर सब दिख रहा है कि वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं लोगों को, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और इनकी नीति क्या है, जब से सुन लीजिए मुझे अपनी बात कहने लीजिए, जब से समाजवादी पार्टी, और जब देखेंगे आप मजबूत हुई है 2024 में, इन्होंने इनको आईना दिखाया है, उसके बाद ये इतने खिसियाए हुए हैं। और जब से बीजेपी आई है 2014 के बाद, केवल झूठ और धोखा इनका वो मूल मंत्र है जो हर समाज के वर्ग को दिया जा रहा है। राकेश जी, जब से ये लोग आए हैं तब से केवल झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। बीजेपी ये भी कहती है सपा की सीटें जब से बढ़ी है तब से अपराध ज्यादा बढ़ गया है, कई घटनाओं का जिक्र किया गया, चाहे अयोध्या का, और कहा जाता है कि आप संरक्षण देते हैं उन लोगों को जो अपराध करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस समय शासन प्रशासन किसके हाथ में है? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और ये लोग क्या कहते हैं कि घुसपैठी है, क्या है आपके गृह मंत्री आपके, क्या कर रहे हैं फिर आप? जांच करिए, पकड़िए उनको। केवल आरोप लगा देना, आपसे शासन प्रशासन चलता नहीं है, आपको निष्पक्ष तरीके से शासन प्रशासन चलाना आता नहीं है, केवल आपको धार्मिक उन्माद फैलाना अच्छे से आता है जो आप फैलाते हो, कटोगे बटोगे इस टाइप के टाइटल, इस टाइप के स्लोगन कौन दे रहा है? अगर आपकी सरकार है तो आप अपने विकास के कार्य गिनाइए ना, आप स्वास्थ्य के ऊपर क्या कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर क्या कर रहे हैं,